हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्वप्निल करंट अफेयर्स। स्वप्निल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना जो 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट स्केल 1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें टोटल वैकेंसी 300 है और ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका कुछ इस तरीके से है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट अप्लीकेशन फ़ीस की जो डेट है वो है 1 सितंबर से 21 सितंबर 2021 तक है। उसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर 2021 में और जो मेंस एग्जामिनेशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है वो नवंबर 2021 में कहीं होने वाला है। इसमें सर्विस कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रीवेलेंट रूल ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट मे बी पोस्टेड और ट्रांसफर्ड टू एनी प्लेस इन इंडिया एज मे बी डिसाइडेड बाय द कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो यहाँ पे, तो आपको एनीवेयर इन इंडिया जहाँ पे भी ये न्यू इंडिया एश्योरेंस के ऑफिसेस है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर, यानी 5 साल तक आप वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और जो प्रोबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 1 ईयर का होता है। गारंटीड बॉन्ड क्या होता है, और मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर का ये बॉन्ड होता है। अगर आपने वो बॉन्ड तोड़ दिया तो आपको 1 ईयर की जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको पेड करनी होती है। ठीक है, इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट और जो बेनिफिट्स हैं, यानी आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है इस जॉब पे। इस जॉब पे जो अप्रोक्सीमेट सैलरी आपकी बनती है 60,000 की, यहाँ पे जो बेसिक पे है 32,795 और उसके जो अदर अलाउंसेस पकड़ के है आपका जो पूरा सैलरी बनता है वो 60,000 का बनता है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज ऑन 30 सितंबर 2021 तक आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि 60% के बराबर होना चाहिए उसका एग्रीगेट। और जो SC ST PWD से आते हैं उनका 55% होता है, और ये 60% किसके लिए होता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए एज, इसमें मिनिमम एज 21 ईयर की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, और वो कब तक होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 तक आपका जो एज है ये आपने अटेंड करना चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिला है एज़ पर द कैटेगरी। SC ST को 5 ईयर्स का मिला है, OBC को 3 ईयर्स का मिला है, और जो ये 10 ईयर्स का है, जैसे कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है। हाँ, इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसमें 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 30 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 35 मार्क्स का रीजनिंग होगा और 35 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स होगा। और इसके लिए कुछ टाइम अलॉट किया जाएगा 20 मिनट्स का, और ये इंग्लिश में होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, और बाकी जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। उसके बाद आपका एक मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका मेंस में ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जाम है यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद जस्ट जैसा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ उसके 30 मिनट्स बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें 10 मार्क्स का लेटर पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का आपका ये जो है ऐसे पूछा जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है, वो इंग्लिश में ही होता है। और उसके बाद जो लास्ट फेज है वो इंटरव्यू होता है। तो जो आपके ऑब्जेक्ट यानी मेंस में मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स को 25 मार्क्स कन्वर्ट करते हैं, तो टोटल जो आपका स्कोर होता है वो आउट ऑफ 100 होता है। उसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनका जॉब सिलेक्शन हो जाता है इसमें। और एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, ऑलमोस्ट उन्होंने सभी स्टेट में सारे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे इनका एग्जामिनेशन सेंटर है। और जो एग्जामिनेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़ फॉर SC ST PWD, और बाकी जो अनरिजर्व है उनके लिए 750 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस। मेन्स एग्जामिनेशन के लिए भी इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है, तो यहाँ से आप देख लेना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।